किसानों ने ठेकेदार पर अधिकारियों की मिलीभगत से माइनर निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। इस बात से नाराज दर्जनों किसानों ने मौके पर पहुंचकर जमकर बवाल काटा और काम रुकवा दिया और साथ ही ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी राखी मिक्स करके ये माइनर बन लग रहा है और हमने तो आज ही पता चला और इसके लिए हम सारे किसान भाई सारे इकट्ठे हुए हैं और इसको सब मिलोट का माल लगने लग रहा है। ये नहीं, इसमें एक साल तक नहीं मनियर चलेगा और ये नरी घोटाला है जी। साइज भी कम और साइज भी कम करे है जी, आधा कम हो गया, आधा कम साइज है जी। कैसे पानी पूरा होगा, पानी टेलना पर पानी नहीं पूरा हो सकता जी। इस क्या लगता है, कितना भ्रष्टाचार लगता है? भ्रष्टाचार नरायपुरी भ्रष्टाचार है जी, इसमें तो ये सौ का सौ। हमारे गांव का माइनर बनने लग रहे हैं जी, टुवाणा से सवैन तक का। हाँ जी, आज हमने यहाँ कर सारे जमींदारों ने आकर देखे है कि थर्मल वाली राखी यूज हो रही है इसमें और लाल पत्थर यूज हो रहे हैं इसमें, और जिसमें रेता भी यूज हो रहा है। क्या लगता है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार है जी नारायण, 1000% भ्रष्टाचार है जी। यहाँ सुबह से हम खड़े हैं सभी जमींदार, कोई जेई नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई एक्शन नहीं आ रहा, कोई भी चीफ ब्यूरो को कुछ भी नहीं आ रहा, हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए विभाग के अधिकारियों ने निर्माण सामग्री के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही अधिकारियों ने जाँच के बाद गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही किए जाने का आश्वासन किसानों को दिया है। अभी रात को कुछ मटेरियल आया था जिसमें कुछ दिक्कत आई है, जिसको देखते हुए ना काम को रोक दिया गया है और उच्च अधिकारियों से बात करके उनका निरीक्षण करवा के फिर काम को शुरू किया गया। क्या लगता है आपको, इसमें कोई खामियाँ हैं या नहीं है? जो खामियाँ हैं उच्च अधिकारियों से आदेशानुसार ही उनको पूरा दुरुस्त करके फिर करवाएंगे। तो ये ग्रामीण असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, जब तक ग्रामीण संतोष पूर्वक नहीं होते जब तक काम शुरू नहीं होगा। क्या लगता है कि इसमें है भ्रष्टाचार का कोई मामला लग रहा है कि कोई राखी रूखी वगैरह कुछ आया क्या? नहीं, इसमें मानक क्या रहते हैं, क्या तय होते हैं मानक जो माइनर बनाने के? इसमें हमारा डिजाइन मिक्स NIT से होता है, उसके अनुसार ही मापदंड तैयार किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कोई लग रहा है आपको? इसमें कुछ थोड़ा बहुत लग रहा है जिसका हम दे देंगे, ऐसा भ्रष्टाचार का तो जैसे ठेकेदार का अगर कोई है फॉल्ट उसमें तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें जांच रिपोर्ट आने तक फिलहाल निर्माण कार्य बंद रहेगा। हिंद एक्सप्रेस के लिए चौहाना से नमन सिंह की रिपोर्ट।